कि बहुत से लोगों का मैार सही और गलत का ये होता है, आपस के इख्तलाफ आते हैं, बोलते हैं हमारे बड़े ये बोलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे जो बड़े हैं वो तो इंसान थे ना, कोई चीज उनसे छूट भी तो सकती है, कोई चीज मिस हो सकती है। अगर उन्हें नहीं पता चला हो और हम बोले नहीं हम तो उनके रास्ते पे चलेंगे, तो क्या हमें उसका अजर मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता था उन्हें पता चल जाता और वो मान लेते, और वो मानने वालों में से थे और हम ना मानने वालों में से हो गए। तो हमें यह देखना है कि कभी भी बड़ों की बात कहकर कुरान और हदीस की बात का इंकार नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस की बात है, दिल में थोड़ी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इत्तबाए सुन्नत में, इत्तबाए रसूल में हम सबको ये पीछे नहीं रहना है कि भाई हमारे यहां ये नहीं चलता। अब आप बताओ, हम में कितने सारे ऐसे लोग हैं बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या कोई कहता है मेरे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे मैं भी अंगूठा छाप रहूंगा? कोई ऐसा कहता नहीं है, क्योंकि पता है कि इसमें बाप दादा के रास्ते पे चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया की चीज में ऐसा नहीं बोलते कि भाई हमारे दादाजी धोती पहनते थे अब हम भी धोती पहन के घूमेंगे। तो हम देखते हैं कि वहां पे दादा का रास्ता छोड़ दिए, कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किए दादाजी ने इसलिए मैं भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, एरोप्लेन में नहीं गए मैं तो पैदल ऊंट पे बैठकर जाने वाला हूं। कोई नहीं कहता, वहां पे दादा का रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन दीन की बात आती है तो बहुत से लोग क्यों रुक जाते हैं, बोले हमारे बाप दादा। अरे बाप दादा की इज्जत करो, उनके लिए दुआ करो, उनको उनका फैसला उनके हालात के हिसाब से होगा, हमारा फैसला हमारे हालात के एतबार से होगा। हम किस जमाने में रहते हैं, टेक्नोलॉजी में ऐसा जमाना है आज मोबाइल के अंदर आपको सब क्या चाहिए सब मिल जाएगा। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स है, ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर है, बटन दबाते हुए हजारों हदीस मिल जाएगी। और एक जमाना वो था जहां एक हदीस सुनने के लिए ऊंट पर बैठकर लंबा सफर करते थे ताकि एक हदीस सुनने मिल जाए, और यहां हम बैठे बैठे बड़े बड़े उलमा के बयानात अपने मोबाइल में ही सुन लेते हैं। तो क्या हमारी पकड़ हमारे जमाने के अतबार से होगी कि पहले के बाप दादा परदादा पूर्वज जो जमाने में थे उस जमाने के अतबार से होगी? तो हमें समझना है कि हमारा फैसला इस एतबार से होने वाला है, तो फेल ना हो जाए हम लोग।